हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू छायास किचन। आज हम बनाएंगे बर्गर, वेज बर्गर। आज मेरे घर पे अचानक गेस्ट आ गए तो मैं सोच में पड़ गई क्या बनाऊं। तो घर के फ्रीजर में देखा वेज पेटीज पड़ी थी, बर्गर पेटीज अमूल की, तो सोचा चलो बर्गर ही बना देते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स आप देखिए झटपट ये रेसिपी कैसे बनती है, चलिए हम बनाते हैं वेज बर्गर। फ्रेंड्स बर्गर बनाने के लिए मैंने ये पेटीज ली है, अमूल की है, अमूल बर्गर पेटी आती है, मैंने रेडीमेड ली है। जब मैं बनाऊंगी तब इसका भी वीडियो सेंड करूंगी। अभी मैं ये ले रही हूँ और इसको हम पहले सबसे पहले फ्राई करेंगे। तो मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, अभी ऑयल गर्म हो चुका है तो मैं इसको पहले फ्राई कर दूंगी। मैं इसको डीप फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, और इसको एकदम डार्क ब्राउन होने करना है। अब ये हो गई है, मैं इसको निकाल लूंगी, ऐसे ही मैं सारी पेटीज को फ्राई कर लूंगी। अब ये हमारी सारी पेटीज रेडी है, तो अब हम इसको रख के बर्गर का सामान रेडी करेंगे। ये बर्गर के बन है, बर्गर के बन ऐसे बड़े साइज में होते हैं, मैंने इसको बीच में से कट कर दिया है ऐसे, और इसको मैं अभी शैलो फ्राई करूंगी, थोड़ा सा सेकूंगी। साथ में मैंने वेजिटेबल्स भी कट कर दिए हैं, टोमेटो, ऑनियन, और वैसे ये बेसिल लीव्स का यूज होता है। सारी सब्जियां मैंने कट कर ली है, टोमेटो, ऑनियन और कैबेज लीव्स है, और चीज स्लाइस ली है मैंने अमूल की। तो अब हम ये सब अरेंज करेंगे। सबसे पहले पाव को, जो बर्गर के पाव है उसको हम थोड़ा सेक लेंगे। अब हम ये बर्गर के बन में थोड़ा सा बटर लगा के इसको फ्राई सेक लेंगे थोड़ा थोड़ा। इसको थोड़ा सा गर्म करना है सिर्फ। ये बटर भी मैंने होममेड लिया है, इसकी भी लिंक मैं नीचे सेंड करूंगी, अगर आप चाहे तो इसको घर पे बनाना। इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब हम इसको अरेंज करेंगे। अब हम इसमें मेयोनीज लगाएंगे। ये मैंने डॉक्टर ओटकर की मेयोनीज ली है, जो बर्गर की है, वो लगाएंगे। और इसके ऊपर हम थोड़ा केचप लगाएंगे। अब हम वेजिटेबल्स रखेंगे। ये पेटीज रखेंगे, ऊपर थोड़ा केचप लगाएंगे। थोड़ा ओरेगानो और चिली फ्लेक्स डालेंगे। थोड़ा चाट मसाला डालेंगे। और ये जो लेट्यूस के पान है वो रखेंगे। आप चाहे तो इसको कट करके भी रख सकते हैं। इसके ऊपर हम चीज की स्लाइस रखेंगे और फिर ये बर्गर बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा बर्गर रेडी है, इसको हम कट करके सर्व करेंगे। आप चाहे तो इसमें ऐसे कट की हुई केबेज भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को वो बड़े बड़े लीव्स अच्छे नहीं लगते, तो ये कट किया हुआ भी टेस्ट में अच्छा लगता है। और फिर इसको आप सर्व कर सकते हैं।
देखिए फ्रेंड्स ये भी रेडी है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है हमारा बर्गर, आप इसको चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए आप भी बनाइए और मुझे बताइएगा कैसा बना। एंजॉय।